गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे एंड अभी यहाँ पे रूम पे कुछ भी सेटल नहीं हुआ है, अभी सब कुछ फैला हुआ है। अभी अभी हम आया, मैंने आधा सामान अपना शिफ्ट किया है और आधा सफाई भी करी है। अभी रूम क्लीन वगैरह किया, इन्होंने वॉशरूम साफ़ किया है क्योंकि इनको मैंने वॉशरूम साफ़ करने के लिए दिया था, वो सबसे गंदा होता है। और हमने अभी क्या क्या ले लिया, अभी हमने आधा आधा सामान ले लिया, बाकी थोड़ा बहुत सेटल करके जा रहे हैं। अभी हम लोग अपने जाएंगे मामी के यहाँ और उसके बाद हम कल फिर आएंगे और फिर सेटल करेंगे। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी क्या तक कहाँ तक सेट किया है। गाइस ये हमारे स्लीपर के गद्दे आ गए हैं, हमने न्यू ड्रेसिंग टेबल अभी अभी परचेस किया है, ये भी अभी हमने परचेस किया। उसके बाद अलमीरा हमने ली नहीं बिकॉज हमारी वॉल पर इतनी बड़ी अलमीरा है फिलहाल के लिए। सामान अभी हमारा आधा सामान यहाँ फैला हुआ है, मंदिर भी अभी रखा हुआ है। बाकी अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये गैस सेटल करने जा रहे हैं। ये हमने अभी 3 बर्नर गैस भी अभी भी लिया है जिसे सेटल करेंगे। और बाकी हमारा सामान अभी इस बॉक्स में है जो हमने उस दिन विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करी थी। एंड ये हमारा अभी सेकंड रूम है, बट अभी इस रूम का मैं कुछ भी इतना फ्रीक्वेंटली मतलब इतना ज़्यादा मैं अभी व्लॉग दिखाऊंगी नहीं क्योंकि अभी ये पूरा सेटल नहीं हुआ है हमारा। जब हो जाएगा उसके बाद कल हम आके अब इस रूम की दिखाएंगे कि हम कहाँ पर क्या सामान रख रहे हैं। बाकी अभी सब कुछ फैला हुआ है, अभी कुछ भी सेटल नहीं हुआ है। एंड ये अभी किचन में जा रहे सेट करने के लिए, ठीक कर रहे एक हो जाएगा कवर फाड़ना नहीं आता, हाथ दो गए एक हो जाएगी कवर फाड़ना नहीं आता। नई रजाई का उद्घाटन, नई पिलो का उद्घाटन करने जा रहे हो, फाड़ दिया ना खुला से। पन्नी है ना इनमें, चल चल करेंगे, चल चल कोई बात नहीं, अभी तो वो बिछाएंगे ना, नहीं करेंगे। हाँ इतना ये होते हैं गृहस्थी बिछाने के फायदे बोलेंगे कि नुकसान। सब करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। कैसी फीलिंग आ रही है, मुझे जी नहीं आ रहा था। आज हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा नीचे रेट के, वैसे ये फीलिंग भी अच्छी है। ये ज़्यादा अच्छा है, छोटी है क्या, छोटी है ठीक है, ऐसे होती लग रहा है। हां सुनने में कंफर्टेबल है, समझ होटल वाली है ना। तो होटल के सीधे वाली की ऐसी होती है ना, वो लोहे जैसी गर्दन में दर्द रहती है भाई। दो तक हम और चाहिए होंगी, हां बाद में आएंगे भी तो ये रहा है मेरे मेहनत वाले पति। अच्छा हम भी तो बहुत बड़े हैं। फाइनली हमारा बेड रेडी हो गया। अरे यार ये तो बहुत गजब लग रहा है, मैं तो कह रही बेड की जरूरत है, ये नीचे ही बढ़िया लग रहा है। पता था ना ऐसे ही यस फाइनली फाइनली पहली चाय के लिए दूध गर्म होने जा रहा है और ये हमारी न्यू गैस ओपन होने जा रही है। ये ऑन हो गई है एंड ये रहा दूध का पैकेट। हाँ यार और फाइनली पहले चाय के लिए दूध गर्म हो रहा है। गाइस हम जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएंगे एंड तब तक के लिए बाय बाय, और व्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, न्यू वीडियो जल्दी जल्दी साथ में आती रहेंगी। आपको बता ही रखा है मेरी केक बिल्कुल भी वीडियो में आने का बिल्कुल शौक नहीं है, बट कल वाली वीडियो में ये पक्का आएंगे। टिल देन बाय, ब्लॉग को वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बाय।